नशेड़ी हो है, सिगरेट हो पिए, बीड़ी हो पिए, गाजा भांग हो खाए, दारू हो पिए, और वो राहुल गांधी को ऊपर उंगली उठा दिया है। उन्होंने कहा था पहले किया था, मतलब हमारे गांव की भाषा में कहते हैं सात मूस खा के, मतलब सात चूहा खा के बिल्ली हज को चली। तो वही हाल कंगना रनौत की है कि सात चूहा खा के अपनी ऐसी तैसी करवा के अब वो हज को चल रही है, जब हमने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन क्या लग रहा है, चाहिए नशेड़ी कंगना रनौत, हाँ। दारू ओ पिए, इसमैक ओ पिए, गाजा भांग ओ पिए, भैंस ओ खाए, गाय ओ खाए, बकरा मुर्गा ओ खाए, वो राहुल गांधी को ऊपर उंगली उठाने वाली है। वो राहुल गांधी को ऊपर उंगली उठाएगी, हाँ। नशेड़ी हो है, सिगरेट हो पिए, बीड़ी हो पिए, गाजा भांग हो खाए, दारू हो पिए, और वो राहुल गांधी को ऊपर उंगली उठा रही है। उन्होंने कहा था पहले किया था, मतलब हमारे गांव की भाषा में कहते हैं सात मूस खा के, मतलब सात चूहा खा के बिल्ली हज को चली। तो वही हाल कंगना रनौत की है कि सात चूहा खा के अपनी ऐसी तैसी करवा के अब वो हज को चल रही है, कि अब हमने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन क्या लग रहा है, कंगना रनौत अब मुखर होकर राहुल गांधी के लिए लगातार बोल रही है। कंगना रनौत की गलती नहीं है ये, आप लोग यही समझ नहीं पाते। कंगना रनौत बेचारी अगर उटांग पटांग सवाल नहीं करेगी तो उसकी कुर्सी कैसे बचेगी, उसकी कुर्सी कैसे बचेगी, दोबारा उसकी कुर्सी चली जाएगी। तो वो कंगना रनौत वो वही भाषा बोलेंगी जो प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला है, वो वाली भाषा बोलेंगी। उनकी दम है क्या, नाचने वाली का दम है क्या कि जो सच्चाई का साथ दे दे? कहाँ थी कंगना रनौत, कहाँ थी जब महिलाएं नंगी घुमाई गई, कहाँ थी? भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री कहाँ थे? तो कह तो दिया था कि भाई राहुल गांधी तो राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी को राजनीति नहीं करने आती, जिस दिन राहुल गांधी इनकी तरह झूठ बोलने लग जाएंगे ना, उस दिन इनके अपने आप समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं, राहुल गांधी एक सच्चाई की राजनीति करते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझते हैं, देश की माताओं को अपनी माता समझते हैं। वो एक इज्जत और सम्मान की निगाह से देखना चाहते हैं कि हमारे देश की बहन बेटी इज्जत से रहें, दो वक्त की रोटी इज्जत से खाएं। भाजपा के लोग तो अब कंगना रनौत को मैं क्या बोलूं, इस नशेड़न को, इसको क्या बोला जाए कि इसकी औकात है क्या राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाने की? कहा तो था पहले, देखिए जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में भोले बाबा की तस्वीर लेकर गए थे तब कंगना ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे भाई। अच्छा, दे हमारे हिंदू जय श्री राम, जय श्री राम का नौटंकी ये 10 साल चलाए है, भगवान का ये इस्तेमाल किए 10 साल नौटंकी चलाए, जब ये हर जगह से हार गए, जहाँ जहाँ भगवान का नगरी है, जहाँ जहाँ भगवान की धरती है, वहाँ वहाँ से हार गए, तो अब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। कंगना रनौत बोले अपने प्रधानमंत्री जी से कि माफी मांगे, मोदी जी क्यों माफी क्यों नहीं मांगेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम अयोध्या में करते थे, अयोध्या हारते हुए जय श्री राम जी को भूल गए। अब किसी भाजपा वालों के मुंह से निकलता है क्या? जगन्नाथ का भी सोना लूट लिए, जगन्नाथ में कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, कौन सा तीर मार दिया है इन्होंने, जहाँ जहाँ भगवान को इस्तेमाल किए हैं ना, अब धीरे 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 इनके सामने आ रहा है, इसका सबक इनको मिलेगा। इनको ये ख्वाब देखते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत का, अब भाजपा मुक्त भारत होने वाली है, टेंशन मत करो भाई। देखिए शंकराचार्य आदि मुक्तेश्वर उन्होंने कहा है, एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है, मैं कभी कंगना रनौत का चेहरा नहीं देखूंगा। सन्यासी आदमी है, ज्ञानी आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी है, वो नचनिया का क्यों देखेंगे? जो नशा वो करती, गांजा वो पिए, भांग वो पिए, सिगरेट वो पिए, दारू वो पिए, भैंस वो खाए, गाय वो खाए, उसका चेहरा क्यों देखेंगे भाई? क्योंकि कंगना रनौत ने कहा था कि भाई शंकराचार्य, कंगना रनौत है क्या शंकराचार्य? उनका वहदा देखो, उनकी पदवी देखो, शंकराचार्य जिनके सामने भगवान ने सर झुकाया है, जिनके सामने भगवान ने नमन किया है सर झुका के, कंगना रनौत है क्या नाचने वाली? कंगना रनौत ने कहा कि उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसके जैसी राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हाँ, राहुल गांधी खानदानी आदमी है, स्वाभिमानी आदमी है, उसकी नचनिया जैसे उनको राजनीति करने की जरूरत है क्या? वो सिखाएगी, उसको बोलो पहले अपने आप को संभाल ले। परमहंस शंकराचार्य जी से कहने लग रहा है इनको ज्यादा चंदा मिल गया है। किसको? शंकराचार्य जी को, कांग्रेस के, मतलब जो सच्चाई का साथ दे उसको चंदा मिल गया, जो इन भ्रष्टाचारियों के साथ मिलके बहन बेटी को नंगे घुमवा दे, बहन बेटी का मर्डर करवा दे, वो सत्य का साथ दे रहा, यही ना, यही आप लोग कहना चाहते हो कि मोदी जी सत्यवादी हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ, बयान जो दिया उसकी बात कर रही हूं। उनके बयान का क्या है? वो झूठ के बुलंदी पे चढ़े हैं, झूठ के बुलंदी फिर टूट जाएगी, गिर जाएगी। जनता ने चुन के भेजा है मंडी से सांसद। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात। मोदी जी सीना ठोकते थे 400 पार 400 पार, 250 पार पे कांटा लग गया, 250 पार नहीं हो पाए, लेकिन प्रधानमंत्री तो बने ना। नहीं मेरी बात तो सुनो, प्रधानमंत्री बने किसी को ईडी का डर दिखा के, किसी को सीबीआई की डर दिखा के, किसी को माल दे के बने? ये कितने दिन सरकार इनकी चलती है ये आप लोगों के सामने आ जाएगा, ज्यादा इनके विषय में टेंशन करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या लग रहा है यूपी में? देखिए यूपी की अगर मैं बात करूँ तो लगातार खट्टर पट्टर तो चल रही है, लगातार एमएलए जो है वो बागी हो रहे हैं,
25 एमएलए बागी हो गए हैं भाई। देखो जो यूपी में रह रहा है, यूपी के रहने वाली मैं भी हूँ, भगवान की नगरी की। यूपी में सारे भगवान, किशन भगवान भी पैदा हुए हैं, राधिका जी भी पैदा हुई हैं, सियावर रामचंद्र जी भी पैदा हुए हैं, जो वो भगवान की नगरी है यूपी। यूपी से मैं भी हूँ, तो जब हमारी यूपी में ये इस तरीके से व्यवहार करेंगे पब्लिक के साथ, महिलाओं के साथ, तो वहाँ के सारे लोग एक हो जाएंगे ना। तब वो ये थोड़ी देखेंगे कि हम प्रधानमंत्री के एमएलए हैं, हम भाजपा के एमएलए हैं। अरे भाई एमएलए हो ठीक है 5 साल के लिए, तुम्हारी बहन बेटी तो वहीं रहेगी, आप भी तो वहीं रहोगे, तो जरूर उनका जमीर जिंदा हुआ है भाई, वो लड़ाई लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे, जहाँ यूपी में गलत होगा तो लड़ाई लड़ेंगे। क्या आप जो सीएम, जो सीएम है यूपी के, वो केशव प्रसाद मौर्य बन जाएंगे क्या? योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? बाबा आदित्यनाथ से देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी के भी पसीने छूट रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी के भी पसीने छूट रहे हैं, ठीक है, भाजपा के जो अंतरी मंत्री हैं उनके पसीने छूट रहे हैं, बाबा आदित्यनाथ इनके पसीने छोड़ा दिए हैं। अब सारा भाजपा इकट्ठा होकर सोच रही है बाबा कब जाएं। तो बाबा की तो विदाई वैसे ही अब के इलेक्शन में हो जाएगी, ये लोग झूठे परेशान हो रहे हैं, जितना मर्जी चेंज कर दें, बाबा को चेंज कर देंगे, दूसरे को लाएंगे। कोई साजिश हो रही है योगी आदित्यनाथ? डर, एक खौफ, हाँ एक खौफ, डर। ये लोग खुद बाबा आदित्यनाथ से डर रहे हैं। डरेंगे क्यों? डर रहे हैं कि बाबा आदित्यनाथ कहीं हमारी कुर्सी ना छीन लें। ये दो जो रंगा बिरला है, ये दोनों की राजनीति यही होती है कि तीसरा नहीं एंट्री कर जाए। रंगा बिरला किसे कह रही है? रंगा बिरला दो ही देश को चला रहे हैं, वो दुनिया जान रही है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया जान रही है रंगा बिरला को। क्या लग रहा है उसी पे अखिलेश यादव मानसून ऑफर दे रहे हैं कि 100 विधायक लेकर आए और हम आपको बना देंगे मुख्यमंत्री? देंगे भाई, देखो जब प्रधानमंत्री कांग्रेस के लोगों को तोड़ के ले जा सकते हैं, अन्य पार्टी के लोगों को तोड़ के ले जा सकते हैं, तो अगर अखिलेश यादव ऑफर दे रहे हैं तो एक गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री को ललकार रहे हैं। एक शान की बात है, गर्व की बात है कि एक यूपी का लड़का यादव का प्रधानमंत्री को हिला के रख दिया है, बाबा आदित्यनाथ को हिला के रख दिया। यूपी में जो फरमान लगातार चल रहा है, कहा जा रहा है कि दुकानों पर नाम प्लेट लिखे, और देखिए कांवरियों का आतंक जारी है। अब देखिए गाजियाबाद में गाड़ी तोड़ दी पुलिस वाले की एक। देखो जब कांग्रेस थी तो भी कांवर सेवा होती थी और आज भी हो रही है। कांग्रेस के जमाने में इतना आतंक नहीं होता था। जहाँ 10-20 लड़के कांवर लेके जा रहे हैं ना, वो भगवान का नाम थोड़ी ले रहे हैं, वो तो कांवर रख के ऐसे हुरदंग मचा रहे हैं कि उनके सामने जो आ गया वो कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उनको ये पता नहीं, किसी को मोहर नहीं लगी है, किसी को मोहर नहीं लगी है रोड पे चलते कि हम हिंदू हैं वो मुसलमान है। उनको सबको लपेटने से मतलब है, चाहे वो पुलिस की गाड़ी हो, चाहे किसी पब्लिक की गाड़ी हो, चाहे वो किसी लीडर की बहू बेटी हो, चाहे आम पब्लिक की बहू बेटी हो, उनको इससे लेना देना नहीं है, उनको अपनी हुरदंगई से मतलब है उनके। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो हिंदू हृदय सम्राट है, आपने देखा नहीं पिछले साल भी कांवरियों पे फूल बरसाए थे, तो अब क्यों चुप हैं बाबा? बाबा को तो कुछ करना चाहिए ना। अगर कांवड़ सेवा के लोग इतना हुरदंग मचा रहे हैं, शांति से जाना चाहिए। हम भगवान का पूजा पाठ करने जाते हैं, या पहले के जो संत थे, जो सन्यासी थे, जिनके आगे भगवान घुटना टेक देते थे, भगवान नतमस्तक होते थे, वो लोग भी जाके पहाड़ों में पूजा पाठ करते थे शांत जगह पे। ये तो हुरदंग मचा के चल रहे हैं, तो इनको समझाना चाहिए या ऐसी कानून बनाना चाहिए कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर आप भगवान के यहाँ जा रहे हो तो सच्चे मन से जाओ, नफरत लेकर मत जाओ, नफरत लेके मत आओ कि रास्ते में नफरत। लेकिन भाई देखिए राहुल गांधी ने एक बयान और दिया, क्या है, चक्रव्यूह से डर भी लगता है, चक्रव्यूह की चर्चा करने लगा था। चक्रव्यूह जो रचा गया है राहुल गांधी को आराम से तोड़ने आता है, राहुल गांधी इस चक्रव्यूह को कुछ नहीं समझते, अपने आप तोड़ दे। राहुल गांधी ना झूठ बोलते हैं, आप देखिए सुनिए, सच्चाई में बहुत दम है, सत्य का साथ ऊपर वाला देता है, और पाप का घड़ा कब भर जाए उसको कोई भरोसा नहीं होता, जब भरा तभी टूटा। राहुल गांधी सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, सच्चाई का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, पूरी देश की महिलाएं खड़ी हैं, युवा खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। ये जो भाजपा का चक्रव्यूह है, नरेंद्र मोदी जी जो चक्रव्यूह रचते हैं, वो चक्रव्यूह अपने आप टूट जाएगा। राहुल गांधी के अंदर इतनी दम है, सत्य में इतनी दम है, सच्चाई में इतनी दम है, अब उनका चक्रव्यूह तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कैसे टूटेगा, 10 साल पहले हो गए और फिर प्रधानमंत्री बन गए, आप लोग कहने लगे चक्रव्यूह चक्रव्यूह तोड़। प्रधानमंत्री जी चक्कर खा खा के गिरते हैं, 70 साल 70 साल 70 साल, तो 10 साल में कौन सी बड़ी बात हो गई? हम लोग तो 10 साल को 10 दिन समझते हैं, हम लोग ये मानते ही नहीं कि 10 साल निकल गए। सारा प्रधानमंत्री जी की सच्चाई सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं, महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं। सबकी पेंसिलें बंद, नौकरियां खत्म, बिजनेस खत्म, युवा रोडों पे भटक रहा है, सरकारी स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। कांग्रेस के जमाने में हम लोग लाइन में लगते थे तब एडमिशन होता था, आज ऐसी दिन आ गया है प्रधानमंत्री के राज्य में कि सरकारी स्कूल के टीचर गलियों में घूम रहे हैं।
ये सत्य है कि गलियों में घूम रहे हैं कि अपने बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में करवा दो, हाँ। नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी, बच्चे नहीं आ रहे हैं। क्यों भाई, ये प्रधानमंत्री की देन है। कांग्रेस के जमाने में लाइन में लगते थे हम लोग भैया कि एडमिशन हो जाए, बच्चों का एडमिशन हो जाए, आज वहाँ कोई जाने को राजी नहीं है। तो क्या लग रहा है, क्या कंगना रनौत की सदस्यता जो है वो रद्द होगी? हमने पहले भी बोल दिया है आपको, हाँ। कि अभी भी बोले, हाँ। कि कंगना रनौत अपने को बचाने के चक्कर में वो गांधी परिवार का ही माला जपेंगी सुबह शाम, हाँ। जैसे लोग राम राम 108 बार करते हैं, हाँ। तो कंगना रनौत राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी का माला जपती हैं, हाँ। इसलिए जपती हैं कि उनकी कुर्सी बरकरार रहे, हाँ। अपनी कुर्सी प्यारी है उनको, ना कि प्रधानमंत्री। जिस दिन वो राहुल गांधी को गाली बकना बंद कर दिए, उस दिन वो प्रधानमंत्री की निगाह से गए, उस दिन प्रधानमंत्री के दिल दिमाग से गए, वो तो इसीलिए उनको बनाया गया है कि गालियां बको।